हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डे टू डे स्मार्ट कुकिंग। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ मिक्स वेज की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही बनाना इजी और बहुत ही डिलीशियस है खाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने बीन्स, प्याज, गाजर, मटर को कट कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पर मैंने आलू को, टमाटर को और शिमला मिर्चा को भी कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने फूलगोभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले हम फूलगोभी को गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे, इससे इसका जितना बैक्टीरिया होता है वो हट जाकर खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए, ये बॉईल हो चुकी है। सबसे पहले हमें एक लेना है कढ़ाई। जैसे कि हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डाल दे रही हूँ तेल। आप सरसों या रिफाइन कोई भी तेल से बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफाइन तेल का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि तेल हमारा गर्म हो चुका है गाइस, तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ पचफोरन। पचफोरन को हमें 1 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फूलगोभी को। इसे हम सबसे पहले फूलगोभी को डाल के अच्छे तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए, मैंने फूलगोभी को डाल दिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे दो से तीन मिनट तक फ्राई करने के बाद देख सकते हैं हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बीन्स को, ताकि फूलगोभी के साथ बीन्स भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसमें मैं एक एक करके सभी वेजिटेबल्स को ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर को। अब मैं इसमें नेक्स्ट डाल रही हूँ मटर। तो गाइस, ये बनाना बहुत ही इजी, इस तरीके से आप बनाएं तब यकीन मानिए आप बार बार बनाना पसंद करोगे। और ये बहुत ही इजी है, विदाउट कोई हेजिटेशन के आप इसे बना सकते हो। अच्छी तरह से हमें सब वेजिटेबल्स को एक एक करके डाल देना है। अब मैं नेक्स्ट डाल रही हूँ आलू को। मैंने आलू को डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट मैंने इसमें शिमला मिर्च को डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली। आप अपने तीखे के अनुसार कम या ज़्यादा डालें हरी में ग्रीन चिली को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जैसे देख सकते हो गाइस, इसका कलर कितना अच्छा आया है। मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का हल्का सब वेजिटेबल्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। 2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है। अच्छी तरह से हल्दी को सभी मिक्स कर लेना है वेजिटेबल्स के साथ। जैसे हल्दी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, सो नेक्स्ट मैं इसमें डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। देखिए, मैंने अदरक और लहसुन का बस थोड़ा सा ही पेस्ट डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को 2 से 3 मिनट तक हम पे पका लेना है वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके। गाइस, यकीन मानिए इस तरह से बनाए इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि आप बार बार बनाना पसंद करोगे। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाती है, आप इसे प्रेशर कुकर में ही बना सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप कट किए हुए टमाटर को। इस तरह से जब आप फ्राई करके इसे बनाते हो ना, तो उसका अलग टेस्ट आता है, बट आप प्रेशर कुकर में जब बनाओगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया स्वादानुसार नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। सो गाइस, ये बहुत जल्दी बन जाएगी, बस इसे अच्छे से फ्राई करके बना रही हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। सब यकीन मानिए इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच गर्म मसाला। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि गरम मसाला मैंने घर पे बनाया, इस मसाले की रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। और इस मसाले को जो भी आप सब्जी बनाते हैं इसे डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले को डालने के बाद। और कोई भी मार्केट से आपको मसाला खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
तो देखिए अच्छे से मैंने मसाले को मिला के अच्छे से 5 मिनट्स तक पकाया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ बस थोड़ा सा पानी। पानी को डालने के बाद इसे हमें ढक के 5 मिनट तक पका लेना। देखिए मैंने इसे ढक दिया है। देखिए ये अच्छे से कुक हो चुके हैं गाइस, वेजिटेबल्स अच्छे तरह से पक चुके हैं। सो ये रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है। आप इसे कचौड़ी के साथ, आप अपनी मनपसंद पूड़ी के साथ, चपाती के साथ सर्व करके खाने, बहुत ही टेस्टी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं गाइस, और आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।